नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना है। विदाउट मिस्टेक के लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना होगा। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट योर पासवर्ड का यूज़ करेंगे, फॉरगेट योर एप्लीकेशन नंबर का यूज़ कर सकते हैं यदि आपको एप्लीकेशन नंबर पता नहीं है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ओटीपी, प्लीज़ क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। यदि आपको ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रही है तो यहाँ इस ऑप्शन का आप यूज़ यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और सेंड पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर। हमने क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हुआ। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आप अपना जो भी पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स, तो पूरा यहाँ पर आपको जो है इंस्ट्रक्शन सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है फीस पेबल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 यहाँ पर दिया गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ठीक है। इसको रीड और राइट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम पहुँचते हैं पेज के बॉटम में और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम जो है अपनी टेंथ की मार्कशीट, देखिए अपने जैसे ही माउस को वहाँ पर ले गए कर्सर को, एज़ पर टेंथ सर्टिफिकेट तो डालना है अपनी टेंथ की मार्कशीट सर्टिफिकेट के अनुसार। फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सही से फिल करना है, ईमेल एड्रेस को सही से टाइप करना है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर सही से डालना है। सही से डालने का मतलब है ईमेल और मोबाइल दोनों एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ईमेल को सिस्टम पर या मोबाइल पर लॉगिन कर लें, मोबाइल में इनकमिंग चालू होना चाहिए जिससे कि मैसेज का आदान प्रदान ओटीपी के माध्यम से हो सके। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई दूसरा है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते। आइडेंटिटी टाइप में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटो, यदि आप इस ऑप्शन का चूज करते हैं तो आप यहां पर अपना आधार कार्ड या लगा सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड का ऑप्शन यहाँ दिया गया है तो पैन कार्ड आप अलग से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आधार ले लिया है क्योंकि मुझे आधार कार्ड लगाना है। तो नंबर को यहाँ डाल देंगे, डालने के बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे आप, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर जो भी आपका हो लोकलिटी वगैरह यहाँ फिल करेंगे सही से अपने आधार कार्ड और प्रमाण पत्र के अनुसार। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक कर देंगे यहाँ पर, देखिए तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे, परमानेंट और प्रेजेंट। अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं, तो आपको टिक नहीं करना होगा। पासवर्ड की बात करें, यहाँ देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गया, उसका से पासवर्ड बना लेंगे आप। बनाने का सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे, चूज करने के बाद जो यहाँ सिक्योरिटी आंसर को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। डिटेल को सही सही फिल करें जिससे कि करेक्शन की जो नौबत है वो बाद में ना आए, और तसल्ली से भरें, सावधानी से भरिएगा। कंप्यूटर पर करें जिससे कि पेमेंट का जो फील्ड है, वो जो ट्रांजेक्शन का इशू है वो कम हो, क्योंकि मोबाइल से फीस फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए हम जो है अगला प्रोसेस कर लेते हैं। इस प्रकार सबमिट करने के बाद जो है प्रीव्यू पेज आपके सामने आ गया है, अच्छे से चेक करेंगे, कोई समस्या लग रही है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना संशोधन कर लेंगे, फिर से आप उसी प्रोसेस करके यहाँ तक पहुँचेंगे। फाइनली सब कुछ चेक कर लिया तो पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड सभी पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद एग्री पर टिक करना है और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने सभी पर टिक कर दिया और अब हम फाइनली जो है सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर सब कुछ चेक करने के बाद क्लिक करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओटीपी जो भेजा जा चुका है ईमेल पर, तो ईमेल की ओटीपी प्राप्त होने पर हम यहाँ पर डाल के इसे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हुआ तो इस प्रकार का एक पॉपअप हमारे डैशबोर्ड पर शो हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइट का निशान लगा हुआ, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज़ चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। तो यहाँ पर ओके करेंगे और ईमेल आईडी से आईडी पासवर्ड लेके यहाँ से आपको लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन पोर्टल आपके सामने है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आप बड़ी आसानी से अपना फॉर्म या फिर दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, कैप्चा फिल करेंगे, लॉग इन बटन पर आप क्लिक कर देंगे। किसी भी कारणवश आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिया गया है जिसका यूज़ करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो इस पोर्टल से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टेटस हो रहा है, करंट स्टेटस कंप्लीट है, ये दोनों पेंडिंग है। जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ जो ग्रीन है कंप्लीट, ऐसा तीनों में दिखना चाहिए आपको, ठीक है। यदि नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पेमेंट का इशू है, पेमेंट आपका अपडेट नहीं हुआ है। 24 से 48 घंटे का वेट करिएगा और फिर से दोबारा लॉगिन करके चेक करें। हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क का यूज समय से पहले करें, जिससे कि लास्ट डेट तक आपका फीस जो है टाइम से पहले अपडेट हो जाए। और अपना अकाउंट भी चेक करते रहें, कभी कभार ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं हो पाता है फीस, तो वो रिफंड कर दी जाती है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है, जहाँ पर आपको जो है पर्सनल डिटेल्स वाला पेज है ये, और यहाँ पर अपनी डिटेल्स को बारी बारी से स्टेप बाई स्टेप जो है फिल कर लेनी होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो OBC NCL एज पर सेंट्रल लिस्ट है यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, तो आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर NF OBC नेशनल फॉलोशिप अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि एक तरीके का ये स्कॉलर होता है। और ये स्कॉलरशिप किन्हें मिलती है, उन कैंडिडेट्स को मिलती है जो हायर एजुकेशन का मतलब है उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम जो है लागू रहती है। यदि आप UGC NET का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने MA कर रखा है या MSc कर रखा है, उससे आगे की उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो इस स्कीम के लिए आप यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप या फिर अध्ययन कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। जैसे कि MPhil है, PhD है, इस प्रकार की जो उच्चतर शिक्षाएं हैं, जो हायर एजुकेशन है UGC NET में, ठीक है, तो उनके लिए आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको बताना था, आप चलिए सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगला स्टेप एड्रेस का है, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइम स्टेप भर चुके थे, और यदि कोई करेक्शन करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है आधार कार्ड का, कि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो 10 से आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। तो यहाँ जो डिटेल शो करेगी वो आपके आधार कार्ड से ज़रूर मैच होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, उसके बाद आपको आधार नंबर डाल के वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। जिनके पास आधार नंबर की प्रॉब्लम्स है या फिर उनका कोई संशोधन होना बाकी है और यहाँ से वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप जो है इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आधार पर मेरी जानकारी आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के समान नहीं है या फिर अपना आधार नंबर साझा करने के इच्छुक नहीं है, इस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं यदि आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, बट सही करा लीजिए यदि हो सकता है तो। यदि आप किसी कारण सही नहीं करा पा रहे हैं तो इस ऑप्शन को चूज़ करके आप अगला स्टेप भर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ किया, अब हम आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दोनों के लिए करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे आप। नहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म चूज़ करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमने एग्जाम सिटी सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ने चूज़ किया और सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, तो नेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद पेपर मीडियम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद सेंटर को फिल करेंगे और माता पिता का व्यवसाय और उनकी शिक्षा भरते हुए अगला स्टेप करेंगे, यहाँ डिटेल्स को फिल कर लेंगे आप, यानी कि आपने MA किया है, MSc किया, क्या किया, तो यहाँ पर पास और रिपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग भरेंगे, उसके बाद कोर्स स्ट्रीम ले लेंगे यहाँ से आप, ठीक है। उसके यहाँ ये नॉट एप्लीकेबल है, ये नॉट एप्लीकेबल इसलिए रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पास सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यदि आप अपीयरिंग चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा यस करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यस कर देना होगा, ठीक है। फिलहाल मैं पास हूँ तो मैंने पास की डिटेल यहाँ फिल की हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मुझे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं अगला स्टेप है MPhil का PhD रिसर्च है, वेदर यू पजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ PG डिग्री, यदि कोई है इनमें से आपके पास तो यस करके उसकी डिटेल का फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैप्चा फिल करेंगे, नो करते हुए फॉर्म को अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए गए हैं, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
अगला स्टेप आपके सामने जो है प्रीव्यू का है और यहाँ पर प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना होगा। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है। अब आपको जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म कंप्लीट फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। कोई समस्या लग रही तो बैक करके आप एडिट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड में जाकर बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं, हर चीज़ का ऑप्शन अलग अलग है, वहाँ पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। सब कुछ चेक हो गया है तो आपको फाइनल सबमिट करना होगा। ये सबमिट बटन है, यहाँ पर अब आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो इस प्रकार का एक पॉपअप सामने आया है और यहाँ पर दिया गया है यदि आपने सब कुछ चेक कर लिया है तो पर्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड। फिर से आपको एक बार ये सभी लिस्टें जो है वेरीफाई करनी होंगी, इससे आपको याद आ जाए कोई डिटेल छूट तो नहीं रही है। बेहद सावधानी से फॉर्म भरें। सभी पर टिक करने के बाद जो है फाइनल सबमिट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। तो कुल मिलाकर जो है आप देख सकते हैं फाइनल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, दो स्टेप क्लियर हो चुके हैं, तीसरा बचा है फीस पेमेंट इनकम्प्लीट दिख रहा है। ठीक है, यदि आपका सक्सेसफुल कटेगा जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे या रिडायरेक्ट होगा तो आपको तीनों स्टेप जो है ग्रीन विद कंप्लीट के दिखना चाहिए। अब यहाँ पे नाउ का बटन आ चुका है, यहाँ से क्लिक करके आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से फिर से डिटेल कुछ निकल कर आई है जिसको चेक करना है और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस की डिटेल आ रही है बट अभी हुआ नहीं इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। यदि आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो सक्सेस की एक्टिविटी यहाँ पर शो हो जाएगी, फेल्ड होता है तो भी यहाँ पर शो करेगा कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, पेमेंट स्लिप का पेमेंट स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया फिर से पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये फीस आपकी कटी नहीं है। उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है, दोबारा पेमेंट करने से बचना है और हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क का यूज़ करना है जिससे कि समय से पहले फीस अपडेट हो जाए, अकाउंट भी चेक करते रहना है। यदि लास्ट टाइम नज़दीक आता चला जा रहा है, दिन तीन दिन बचे हुए हैं, टाइम कम बचा हुआ, तो दोबारा पेमेंट करना मंजूरी हो जाती है। बट कुछ ऐसी ट्रिक हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो उनको फॉलो करेंगे तो उस समय से पहले अपडेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। होता कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दी और हमें लग रहा है अब क्या होगा तो आपने फिर से दोबारा पेमेंट कर दी, तो ये गलती ना करें आप। अब एक दिन आपने किया फिर पेमेंट कर दिया तुरंत, कम से कम दो तीन दिन इंतजार तो कर लीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए अपना, तो उसके बाद लॉगिन करिए, फिर से प्रयास करिए, हेल्पलाइन करिए, ईमेल करिए, कंप्लेन करिए, तो उनसे कुछ ना कुछ समाधान होगा आपका। पेमेंट करने से आप बच जाएंगे दोबारा पेमेंट करने से। ठीक है, अब लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है, मान लो किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा तो वो एक मजबूरी अलग हो जाती है ना। फाइनली पे नाउ पर क्लिक करना होगा। किसके माध्यम से करना चाहते हैं, SBI ईपे, कैनरा या ICICI? तो चलिए हम SBI ईपे पर क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप सामने आया है, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स को अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर चेक करना है, फिर से यहाँ पेमेंट बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। फाइनली जो है पेमेंट गेटवे की पेज पर आ चुके हैं। SBI नेट बैंकिंग है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, UPI किसी भी बैंक का आपके फ़ोन में UPI चालू है तुरंत UPI का स्कैनर चालू करिए, फटाक से यहाँ क्लिक करिए, यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा QR कोड का, उस पर क्लिक करिए, झट से स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, SBI नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, चूँकि यहाँ पर SBI डेबिट कार्ड का ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो आपके पास कोई और बैंक का डेबिट कार्ड है तो उसे पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेट बैंकिंग और UPI का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। UPI किसी भी बैंक का यूज़ कर रहे हैं आप आसानी से पेमेंट यहाँ से कर पाएंगे। अगला स्टेप आपके सामने है और मैंने UPI को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही सीधा QR कोड आपके सामने ओपन होगा, तुरंत स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब इनके पेमेंट फेल्ड हो गया है और कट गया है और दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको, थोड़ा तसल्ली रखनी है, दो तीन दिन वेट करना है, अकाउंट चेक करना है, कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर का यूज़ ज़रूर करिएगा, दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। और जब आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर स्टेटस शो हो जाता है, तो उस स्टेटस को भी चेक कर लीजिएगा, कोई समस्या लग रही तो कमेंट करिएगा। अपडेट यदि पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।